पिपराइज व शाहपुर थाने की पुलिस ने तीन थाना क्षेत्रों में चोरी करने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर जंगल तिकोनिया नंबर 3 नर्सरी जाने वाले रास्ते पर पुलिया के आगे से 4 अभियुक्तों व 4 बाल आबचारी को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान कामदेव सिंह स्वर्गीय रामकिशन सिंह निवासी व्यास नगर वधिक टोला पादरी बाजार थाना शाहपुर, दूसरा सूरज पांडे उर्फ कल्लू पुत्र सुनील पांडे निवासी अमीना नगर कॉलोनी पादरी बाजार थाना शाहपुर, तीसरा रवि कुमार पुत्र इंद्रकेश निवासी ग्राम हुलिया परतावल थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर हाल पता मोहनापुर चौकीदार टोला थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर, चौथा विपिन कुमार पुत्र व्यास मुनि निवासी परतावल थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर सहित 4 बाल आबचारी को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 15 जोड़ी पायल सफेद धातु का, 6 जोड़ी बिछिया सफेद धातु, 1 जोड़ी झुमका पीली धातु, 2 मंगलसूत्र पीली धातु, 4 नाक की कील पीली धातु, 1 जोड़ी कान की बाली पीली धातु, 1 मोबाइल सैमसंग एंड्रॉयड व 1 अदद घड़ी काले रंग की, 5020 रुपए नगद, 1 एलईडी लाइट, 1 डीजे लाइट, 1 डीजे की मशीन, 1 डिजिटल एम्पलीफायर, 2 छोटा बुफर स्पीकर, 100 वाट एसी और डीसी कन्वर्टर, 1 बाल काटने की ट्रिमर मशीन, 1 छोटी बैटरी, 1 बड़ी बैटरी को बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि इन लोगों द्वारा सर्वप्रथम उन घरों की रेकी की जाती है जिसमें ताला बंद हो और साथ ही साथ उस घर में कोई व्यक्ति निवास ना कर रहा हो। अभियुक्तगण द्वारा सुबह करीब 10 बजे एवं शाम करीब 4 बजे रेकी कर इस बात की पुष्टि की जाती है कि चोरी करने वाले घर में ताला बंद है कि नहीं। इस बात की पुष्टि हो जाने के उपरांत रात्रि में करीब 11 से 12 बजे अभियुक्त एवं बाल आबचारी द्वारा चोरी करने वाले चिन्हित घर में घुसकर चोरी की जाती थी और सारे सामान चोरी कर लिए जाते थे। अधिकतर वयस्क घर में घुसकर चोरी की जाती थी और बाल आबचारी द्वारा स्थानीय लोगों एवं पुलिस की निगरानी में कार्य किया जाता था। इसी क्रम में अभियुक्त व बाल आबचारी के कब्जे से थाना पिपराई क्षेत्र थाना शाहपुर क्षेत्र व थाना कोतवाली क्षेत्र में हुई चोरी का सामान बरामद हुआ है, जिसमें अभियुक्त व बाल आबचारियों द्वारा जुर्म को कबूल भी किया गया है, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम में वरिष्ठ उपनिरीक्षक राजकुमार सिंह, उपनिरीक्षक रामचंद्र राय, नागेंद्र मणि, दिनेश कुमार शाहनी, अनुप कुमार तिवारी, विकास मिश्रा, अशोक कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल दुर्ग विजय राम, हेड कांस्टेबल सुरेंद्र त्रिपाठी, हबीब अहमद, भानु प्रताप सिंह, कांस्टेबल प्रदीप कुशवाहा, गौरव शुक्ला, अंगद कुमार, अखिलेश यादव, दिनेश यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, और किसी का प्रदेश कार्ड नहीं है, सीसी डीवीआर सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया, डीवीआर नहीं मिला है, किसी की नहीं, चलो थैंक यू। एक मिनट मोहम्मद वाले तुम थे, मेरे पास लिखा हुआ है, एक मिनट, मैंने सबका ये लोग थे, ये लोग कोई 300 में गया संबंध था ना, सुन रहे जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्णतः अंकुश लगाने के अनुक्रम में कल थाना पिपराइच एवं शाहपुर के द्वारा एक बड़ी सफलता को अंजाम दिया गया, जिसमें 4 बालापचारी एवं 4 अन्य अभियुक्त पकड़े गए हैं। उनके पास से 13 विभिन्न चोरियों का खुलासा हुआ है, जिसमें उन्होंने 15 जोड़ी पायल सफ़ेद धातु की, 6 जोड़ी बिस्वा सफ़ेद धातु, 1 जोड़ी झुमका पीली धातु, 2 मंगलसूत्र, 2 नाक की कील, 1 कान की बाली,
एक मोबाइल और एक काले रंग की एडिफाइस केशियो की घड़ी एवं उसके साथ साथ 50,020 रुपये नकद इनके पास से बरामद हुए हैं। एक अन्य जो इन्हीं गैंग का सदस्य है इसके पास से जो बैटरी चोरी का काम करता था उसके पास से बैटरी, एक डीजे की मशीन, एक डीजे की लाइट, एलईडी लाइट एवं अन्य चीज़ें बरामद हुई है। ये लोग अभ्यस्त चोर हैं। इनके पास से 6 पिपराइच जनपद में पिपराइच थाने में की गई चोरियां एवं 6 ही सापुर थाने में की गई चोरियां एवं 1 कोतवाली में की गई चोरियों का सफल अनावरण आज किया जा रहा है। इनका मास्टरमाइंड कामदेव सिंह उर्फ कल्लू है जो कि थाना शाहपुर का ही रहने वाला है एवं कल्लू 302 के अभियोग में भी जेल गया था। वो अभी कुछ दिन पहले ही छूट के आया है एवं वह इसका मास्टरमाइंड बताया जाता है और वह साइकिल द्वारा जिन घरों में चोरी करनी है उनमें रेकी करता है एवं उसके बाद में गैंग के अन्य सदस्यों को ले जाकर चोरी को अंजाम देता है। इन लोगों ने शाहपुर एवं पिपराइज थाना क्षेत्र में पिछले 3-4 महीने से कहर बरपा रखा था और इस सफल अनावरण के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्षेत्र में चोरियों पर पूर्णतः नहीं, ये लोग चोरी एवं नकबजनी ही करते थे एवं अभी तक 13 मुकदमे प्रकाश में आए हैं जिनमें इन्होंने चोरी एवं नकबजनी की है। थैंक यू।